हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आप सभी का आदित्य क्लासेस में स्वागत है। और पीरियोडिक टेबल हम लोग कर रहे थे, आज आखिरी क्लास है। पीरियड दो वीडियोस हैं, पहला वीडियो देख लेना पीरियोडिक टेबल का, और ये दूसरा वीडियो है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, इन सब को भाई पढ़ लेना, और बस पढ़ना ही है और क्या ही है। ठीक है, देखो ये लास्ट पॉइंट था अपना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ चालू होना है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ चालू होना है। तो देखो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, समझना। चलो देखो, इन 1930 एच जी जे मॉसले इन इंग्लैंड प्रूव दैट द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 1913 में एच जी जे मॉसले जो थे इंग्लैंड में, वो प्रूफ किए कि ज़्यादातर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन रिप्रेजेंट करके देता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करके देता है। ठीक है, ज़्यादातर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसीलिए उन्होंने, देयर फोर ही सजेस्टेड दैट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट शुड बी एटॉमिक नंबर। इसलिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि क्योंकि ज़्यादातर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट का, वो उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करके देता है, इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि सारा का सारा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाए, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया जाए। समझ में आ रहा है ये पॉइंट क्या है, ज़्यादातर क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाए, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, दिस लेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और यही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को यही थ्योरी लेके आया, विच स्टेट्स दैट, जो कि क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो अभी तक एटॉमिक मास चल रहा था, मास नंबर का बात चल रहा था, इस बार जे एच जी जे मॉसले जो थे उन्होंने एटॉमिक नंबर बोला, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो किसके बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। तो पहला तो पॉइंट यही है कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या है अपने पास, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने पास अवेलेबल है वो किसके बेसिस पे अवेलेबल है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अवेलेबल है। क्लियर है, चले आगे, देखो आगे आओ। और अब देखना, हाउ डिड एटॉमिक नंबर प्रूव अ बेटर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब कारण क्या है, क्यों एटॉमिक नंबर ही एक अच्छे क्लासिफिकेशन की तरफ हम लोग को लेके जाता है। पहला, इन्वर्जन इन मेंडलीव टेबल। मेंडलीव टेबल में क्या दिक्कत था कि मेंडलीव कई सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको पहले रख दिए थे, और जिनका एटॉमिक मास उनसे कम था उसको बाद में रखे थे। ये चीज़ यहाँ पे रिमूव हो जाता है कि एटॉमिक नंबर का तो बिल्कुल कोई सीन ही नहीं है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर है वैसे वैसे सजा दो। पहला पॉइंट तो मेंडलीव का जो दिक्कत था इन्वर्जन वाला, उसको ये रिमूव करता है। दूसरा पॉइंट क्या, इस एग्जाम्पल के लिए देखो, आर्गन 18, पोटेशियम 19 है। ठीक है, एटॉमिक मास आर्गन का पोटेशियम से ज़्यादा है, 18-40 होता है, पोटेशियम का 18-39 या 38 होता है। तो भले ही आर्गन का एटॉमिक मास ज़्यादा है किससे, पोटेशियम से, लेकिन फिर भी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आर्गन को पहले रखा गया, पोटेशियम को बाद में रखा गया। क्लियर, और दिखता भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या मेन फंडामेंटल है, एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। क्लियर है, अगला पॉइंट, एटॉमिक दो पॉइंट है बेटर क्लासिफिकेशन के लिए एटॉमिक नंबर का। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई पोजीशन नहीं छोड़ के गए थे, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को छोड़ने का परमिशन देता है और रहता भी है। जैसे समझना, पहले तो बात आइसोटोप्स होता क्या है वो समझ लो। देखो आइसोटोप्स होता क्या है पहले तो वो समझो, क्या होता है आइसोटोप्स। देखो हम लोग के पास कार्बन का तीन आइसोटोप है, हाउ मेनी आइसोटोप्स, थ्री आइसोटोप्स, कार्बन 6-12, कार्बन 6-13 और कार्बन 6-14। ठीक है, देखना, तो आइसोटोप्स होता क्या है, सेम एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर क्या है, अलग अलग है। देखना, सेम एलिमेंट कार्बन कार्बन है, इनका एटॉमिक नंबर तो आपस में सेम है, एटॉमिक नंबर तो देखो तीनों का सेम है पर मास नंबर क्या है, अलग अलग है। तो एटॉमिक नंबर सेम होने, तो इसको आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर एक और बात करें, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12 और हाइड्रोजन 13, ये हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप्स अपने पास अवेलेबल है। पहले वाले को कहते हैं प्रोटीनियम, दूसरे वाले को कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरे वाले को क्या कहते हैं, तीसरे वाले को कहते हैं ट्राइटेरियम। क्लियर है, तो ये वाला अपना क्या हो गया, ये तो ये दीज आर आइसोटोप्स, यही क्या है,
आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो आइसोटोप्स के लिए पोजीशन नहीं छोड़ा था मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसका भी समाधान कर दिया गया, आइसोटोप्स के लिए भी पोजीशन क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो ऑल्दो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, हेंस अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिस शुड बी अलॉटेड द सेम प्लेस इन द टेबल। तो टेबल में सेम प्लेस में ही क्या कर दिए, अलॉट कर दिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो तीन तीन जगह नहीं देना पड़ा इन लोग के लिए। क्लियर है? अगला मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आ जाता है, देखो क्या होता है। चलो जब तक करो हम बैटरी जरा डाल लें, जब तक नोट करना सारा पॉइंट। चलो ठीक है, हो गया। तो देखना मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या कहता है। टेकिंग एटॉमिक नंबर एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स बोर कंस्ट्रक्टेड पीरियोडिक टेबल नोन एज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो बोर ने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल 1920 में दिया और 1984 में IUPAC रिकमेंडेशन आया। ठीक है, 1984 में IUPAC रिकमेंडेशन आया, ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बी नंबर्ड फ्रॉम द लेफ्ट 1 to 18। ठीक है, आ गया। फीचर्स ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, फीचर्स क्या क्या है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का, वो समझने की कोशिश करना। पहला, ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स क्लासिफाई किया गया। द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल IUPAC 1984 कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स। कितने वर्टिकल कॉलम्स है, 18, यानी कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। देर आर 18 ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट यूजिंग अरेबिक न्यूमरल्स। तो टोटल अगर ये कोई पॉइंट याद रखना है तो याद रखना है कितना मॉडर्न फॉर्म में कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप है। क्लियर है? इसके अगला पॉइंट आप चलो ये देखो, इन द बोज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट एज 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 1B, ऐसे कर करके नंबरिंग है इसमें, किसमें, बोर के लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, ब्लॉक्स और ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल के अंदर चार ब्लॉक में एलिमेंट बटे हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप 1 और 2 जो है एस ब्लॉक में आता है, ग्रुप 13 to 18 किसमें आता है, पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, और दीज एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स को जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं उनको कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। जो एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। अगला, दो ग्रुप है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस ब्लॉक में 3 और 12 ग्रुप, 3 से लेके 12 ग्रुप तक कौन से ब्लॉक में एलिमेंट आते हैं, डी ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक में जो है उस मेन टेबल में सबसे नीचे में होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन जो है ब्लॉक में आते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तो ये भी पूछ देता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है? उसी तरीके से अगर डी ब्लॉक एलिमेंट बोले तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो ग्रुप की बात होगी, टोटल 18 ग्रुप। क्लियर है? नाम कैसे दिया हुआ है, 1A, 2A, 3B कर करके दिया है। पीरियोडिक टेबल देखना अपना उठा के। अब आओ हॉरिजॉन्टल रो, टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो है जिनको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड्स। तो टोटल कितने पीरियड्स है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में, 7। ठीक है, फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट इज एंड इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड्स। सबसे छोटा पीरियड कौन सा होता है, फर्स्ट पीरियड होता है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। क्लियर है? सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं जिनको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। उसी तरह फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 8-8 एलिमेंट होते हैं जिनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। और उसी तरीके सिक्स्थ में 32 एलिमेंट होता है जिसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। और सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट है इसीलिए इनकम्प्लीट पीरियड्स कहते हैं। पूरा पूरा भरा हुआ नहीं है इसीलिए कौन सा पीरियड कहते हैं, उसको इनकम्प्लीट पीरियड। अब बताओ इसमें क्या समझाना है, इंग्लिश का हिंदी तो करना है, वही करके दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, वही करके दे रहे हैं, वही काम है इसमें। देखो सारा पॉइंट वाइज इसलिए लिखवा दिए हैं, सब कुछ इसलिए पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ईच पीरियड बिगिंस विद द एलिमेंट दैट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द न्यू मेन शेल। न्यू मेन शेल में जिसका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है वहीं से पीरियड चालू होता है। द एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स आर गिवन स्पेसिफिक फैमिली नेम्स।
द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप वन आर कलेक्टिवली कॉल्ड अल्कली मेटल. तो ग्रुप वन में जितना एलिमेंट है ना उनको कलेक्टिवली अल्कली मेटल कहते हैं. उसी तरीके से जो ग्रुप टू में है उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. उसी तरीके से जो ग्रुप 17 में उनको हैलोजन्स कहते हैं. और ग्रुप 18 वाले सारे एलिमेंट्स को नॉवल गैस एलिमेंट्स कहते हैं. पहले इनर्ट गैस एलिमेंट कहते थे उसको. मेटल जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में और सेंट्रल पार्ट्स में प्रेजेंट है. कौन कौन से पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में यार, लेफ्ट पार्ट में और सेंट्रल पार्ट्स में पीरियोडिक टेबल के, ठीक है. वहीं जो नॉन मेटल है वो अपर राइट पोर्शन में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के. क्लियर है? ये देखो ये पीरियोडिक टेबल लगा दिया है हमने, ये पीरियोडिक टेबल लगा दिया है आप लोगों के लिए. क्या दिख रहा है, जो मेटल है वो देखो क्या यहाँ लिखा है, देखना पॉइंट. पहला पॉइंट है मेटल आर लोकेटेड इन लेफ्ट एंड सेंट्रल पार्ट्स. तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पार्ट में ये वाला जो पार्ट है इधर मेटल प्रेजेंट है ही, लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम मैग्नीज ये सब, ये सारा मेटल है तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है. और सेंट्रल पार्ट में ये वाले पार्ट में भी क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है. उसी तरीके से अगर नॉन मेटल बात करें पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे, देखो नॉन मेटल कहाँ प्रेजेंट है, राइट अपर लेफ्ट राइट पोर्शन में, अपर राइट पोर्शन में, ये पोर्शन में कौन प्रेजेंट है, नॉन मेटल प्रेजेंट है. देखो ये ब्लॉक एस ब्लॉक होता है, इसी ब्लॉक को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है. ये ब्लॉक पी ब्लॉक होता है यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक, ठीक है. ये बीच का पूरा ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक होता है डी ब्लॉक. ये सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं. और ये जो नीचे का है ना ये कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट. ये नीचे का कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है. क्लियर है, ब्लॉक भी बता दी इसी में. कैरेक्टरिस्टिक का ग्रुप का क्या, वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप, पता ही है. 18 ग्रुप्स होता है वो भी पता है. नंबरिंग 1 to 18 है वो भी पता है. फ्रॉम द लेफ्ट वहाँ से देखो ग्रुप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है 18, ठीक है. दीज आर नंबरिंग फ्रॉम हो गया ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ग्रुप वन. ये ग्रुप वन है और ये ग्रुप 18 है एक्सट्रीम राइट पे, ठीक है. ख़त्म हो गया, चलो भाई ये भी ख़त्म हो गया. आओ अब इसमें देखो, सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. पहला पॉइंट क्या है, अ ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खासियत क्या रहा कि एक तो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, दूसरा सेम सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स के बेसिस पे भी हम लोग करके रखे. तो ये दो खासियत है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का. कैरेक्टरिस्टिक बात करें, कैरेक्टरिस्टिक वाला फिर से हो गया कि ना, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड्स कहते हैं. मालूम है टोटल 7 पीरियड प्रेजेंट है. ग्रुप 1 एल्कली मेटल ग्रुप है और ग्रुप 2 उसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ग्रुप 18 उसी तरीके से नॉबल गैस एलिमेंट्स वाला ग्रुप है. ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप कहते हैं. पीरियड निकाल दे अगर, ये देखो पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप 17 ये है, ये सारा एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है ग्रुप 17 में वो कौन सा है, हैलोजन एलिमेंट है. ग्रुप 18 ये रहा, ग्रुप 18 में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है नोबल गैस एलिमेंट है. अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 में सारा क्या है, अल्कली मेटल प्रेजेंट है. ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट है, ठीक है. सब कुछ देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. चलो तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है. द फर्स्ट पीरियड एलिमेंट, पहला पीरियड एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है. हैव ओनली वन शेल के शेल, सिर्फ एक शेल होता है के शेल, ऑब्वियसली होता है सबको पता है. सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियॉन सेकेंड पीरियड में आता है. सेल्स होता है के और एल, और इसी तरीके से थर्ड का के एल एम होता है. इसी तरीके से फोर्थ पीरियड का चार सेल पाँच सेल ऐसे बढ़ते चला जाता है. मेरिट्स आता था एग्जाम में, ये इस लास्ट टॉपिक है मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. मेरिट क्या क्या है, पहला मेरिट, पीरियोडिक टेबल हैज़ मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इजी एंड सिंप्लीफाइड. आसान कर दिया ना, एक पीरियोडिक टेबल मिल के सारा एलिमेंट एक जैसा अच्छे से क्लासिफिकेशन है उसका, तो स्टडी अपना सिंपल हो गया, आसान हो गया. दूसरा, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर, जो कि ज़्यादा क्या है, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा एक्यूरेट फंडामेंटल है एटम का. स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं क्लास 9th में, उसमें एटम्स के बारे में पूरा पढ़ना है, क्यों एटॉमिक नंबर ही बढ़िया है. इट रिलेट्स द पोजिशन, ये पीरियोडिक टेबल पोजिशन किस अनुसार रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे पोजिशन को रिलेट कर पा रहा है, तो ये भी अच्छा पॉइंट हो गया. अगला पॉइंट, इट रिमूव्स ऑल द एनोमोलीज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडलीव्स टेबल बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक
मास। तो ये क्या है, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे था, जितना सारा ड्रॉबैक और एनोमोलीज आ रहा था उसके टेबल में वो सारा सारा इसमें रिमूव हो चुका है। चौथा इट चौथा ही बताया ना, पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, इट शोज चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स वाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप मोर क्लियरली। अक्रॉस द पीरियड जाओ या डाउन द ग्रुप आओ, प्रॉपर्टी का चेंज जो होता है ना ज़्यादा क्लियर दिखता है इसमें। ऐसा नहीं होता कि ड्रास्टिक चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी का, ग्रेजुअल चेंज दिखता है और समझ में भी सही सही से आता है। क्लियर है? तो ये देखो, ये 14-15 मिनट में पूरा लेक्चर खत्म हो गया। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्योंकि पढ़ना नहीं है, सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएं इस चीज़ को, तो इस चीज़ को बस ध्यान में रखना, ठीक है? बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखो पूछता ही है, ठीक? तो तब तक के लिए ख्याल रखो, अगला चैप्टर जब भी चालू होगा तो देखते हैं, एसिड बेसिस सॉल्व चालू करेंगे शायद से। तो तब तक के लिए ख्याल रखो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।